नमस्कार दोस्तों, यूपी पुलिस लाइव में आपका स्वागत है। दोस्तों, शस्त्र लाइसेंस से जुड़े किसी भी प्रश्न के बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जानकारी ले सकते हैं, और आप यदि हमारे इस चैनल पर नए हैं तो यूपी पुलिस लाइव को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे। यूपी में अब लाइसेंस लेने वाले को अब अतिरिक्त जेब खर्च करना पड़ेगा। योगी सरकार की नई गाइडलाइन के मुताबिक लाइसेंस के लिए आवेदन कर रहे अभ्यर्थियों को अब गौ संरक्षण मद में आर्थिक योगदान देना पड़ेगा। इस मद को शस्त्र लाइसेंस लेने में लगने वाले शुल्क में जोड़ा जाएगा। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर के लिए फीस भी देनी होगी। लाइसेंस शुल्क के अतिरिक्त अब गौ संरक्षण शुल्क जमा करने के बाद ही आपको नया लाइसेंस मिल पाएगा। शस्त्र का लाइसेंस लेना और रिन्यूअल कराना अब पहले से ही महंगा हो चुका है। जहां शस्त्र लाइसेंस की बढ़ी हुई फीस से आवेदक परेशान थे, अब उसके बाद सरकार के निर्देशानुसार असलह रखने के लिए गौ संरक्षण के मद में भी अपना योगदान देना होगा। शस्त्र लाइसेंस के लिए पहले 5 तरह के अलग अलग शुल्क लगते थे, उन्हें 7 तरह के शुल्क देने होंगे। शस्त्र लाइसेंस और गौ संरक्षण के लिए अब हर आवेदक से 2500 रुपये लिए जाएंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने जब से शस्त्र लाइसेंस पर लगी रोक को हटाया है, आवेदन करने वालों की लंबी भीड़ लगी हुई है। हर दिन थाने से लेकर असला बाबू के दफ्तर तक बड़ी संख्या में फाइलें चक्कर काट रही है। लोकसभा चुनाव के चलते आचार संहिता लगने से कई फाइलें पूरी तरह होने के बावजूद भी जिलाधिकारी कार्यालय तक नहीं पहुँच पाई। अब लेकिन आवेदकों को उम्मीद है कि उनका लाइसेंस हो जाएगा। गौ संरक्षण जैसे संवेदनशील मुद्दों पर सरकार अपनी प्रतिबद्धता जाहिर करती रही है। इन सब के बावजूद भी आए दिन गौवंश की बदहाली के मामले सामने आते रहते हैं। इस पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने गौ संरक्षण मद के रूप में नई व्यवस्था लागू की है। इस मद से गौवंश के रखरखाव की सुविधा मुहैया कराई जाएगी। असलाह बाबू के दफ्तर से मिली जानकारी के मुताबिक 47,000 असलह जिले में हैं। योगी सरकार रोक हटाने के बाद 100 असलम निर्गत हुए हैं, जबकि 40,000 फाइलें की रिपोर्ट लगाई गई है। पहले से बड़े शुल्क में नए आवेदन में स्टाम्प शुल्क रिवाल्वर में 2,000 राइफल 15 शॉर्ट गन 1,000 का शुल्क लग रहा है। DM सिटी अशोक कुमार कनौजिया ने कहा कि सरकार के आदेश को लागू करना हमारा काम है। लाइसेंस के लिए फॉर्मेलिटी पूरा होने के बाद जमा कराया जाता है। उन्होंने कहा कि नए लाइसेंस का जो आवेदन हुआ है उसमें तब तक सरकार की पूरी गाइडलाइन भी आ जाएगी कि किस मद में कितना टैक्स लिया जाएगा। दोस्तों, हमारी यह जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।